दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे संधि पर। आपने वर्णमाला को पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। इसका हिंदी का जो अगला टॉपिक है वो है संधि। तो आज हम स्पेशली हिंदी पर बात करेंगे। हिंदी का जो एक टॉपिक है संधि। अब बात करते हैं कि संधि क्या होता है। तो दो वर्णों के, या फिर वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं, तो दो अक्षरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो संधियां आपकी तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब बात कर लेते हैं कि हम स्वर संधि पे, कि हमारी स्वर संधि क्या होती है। तो जहां पर एक स्वर के दूसरे स्वर के साथ मिलने से विकार उत्पन्न हो, जहाँ पर एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिलता है और विकार उत्पन्न होता है, वहाँ पर होती है हमारी स्वर संधि। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें हिमालय इत्यादि। तो बात अगर हिमालय की करें तो हिमालय को हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हिमालय को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, हिम धन आलय, हिम धन आलय, और इत्यादि को हम तोड़ सकते हैं इत धन आदि। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि दीर्घ संधि और जो हमारी स्वर संधि होती है उसको कितने भाग में बांटा गया है। तो स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, वृद्धि संधि, और फिर आपका होता है यण संधि, और फिर आपका होता है लास्ट में अयादि संधि। ये सारी पांचों संधियां हम पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है दीर्घ संधि का। तो दीर्घ संधि की हम बात कर लेते हैं कि दीर्घ संधि होता क्या है। तो दो सवर्ण स्वर के मेल से उनका रूप बदलकर दीर्घ स्वरों में हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सवर्ण स्वर लिखे हुए हैं, ये सब सवर्ण स्वर कहलाते हैं, जैसे कि अ आ ई उ री री, ठीक है। ये जो है ये आपके क्या है, ये सवर्ण स्वर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम इसका रूल समझाते हैं। तो दीर्घ का मतलब है कि जैसे कि आप कोई भी हो, जैसे मतलब जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि होता क्या है, जो हमारी स्वर संधि होती है उसमें क्या होता है, हम एक बात कर लेते हैं बेसिकली। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो इसमें जो है अगर आपका छोटा आ यानी कि अ आ यानी कि छोटा आ या बड़ा आ है, ठीक है, और वो जो है मेल उसका मेल हो रहा है छोटा आ या बड़ा आ से, तो वो कुल मिला के मिल करके बड़ा आ ही होगा। अगर छोटा आ छोटा से मिल रहा तब भी बड़ा आएगा, और छोटा आ इससे मिल रहा है यानी कि ये वाला इससे मिल रहा है तब भी ये आएगा, ये वाला अगर इससे मिल रहा है तब भी ये आएगा, ये वाला अगर इससे मिल रहा है तब भी, और ये वाला इससे मिलेगा तब भी। इसी प्रकार से जो छोटी ई या बड़ी ई है, ठीक है, ये अगर मेल खाती है छोटी ई या बड़ी ई से तब भी वो बड़ी ई ही बनेगी, हमेशा दीर्घ ही होगा। तो ये वाला जो है इससे मेल खाता है तो भी बड़ी ई आएगी, ये वाला इससे तब भी, ये वाला इससे ये भी, ये वाला इससे तब भी। कुल मिला के स्मॉल है तो उसका कैपिटल होगा, ये समझ सकते हैं। मतलब कि अगर छोटा स्वर है तो छोटे स्वर मिल करके बड़े स्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। इसी प्रकार से आपका छोटा उ या बड़ा उ जो होता है वो अगर मिलता है छोटा उ या बड़ा उ से तो वो हमेशा बड़ा उ ही बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर री को री से मिला दें तो वो बन करके री तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर संधि को पहचानना है तो सिर्फ आप ये याद रखेंगे। अगर संधि को विच्छेद करने को आया है तो फिर आपको पूरा रूल याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल आपको संधि को पहचानना ही है तो आप ये जैसे कि मैंने एक शब्द दे दिया आपको, मैंने पूछ लिया आपसे कि ये बताइए कि आपको जो है परमार्थ, मैंने बोल दिया परमार्थ में कौन सी संधि है, तो आप इसको
देखिए इसको तोड़िए, किस प्रकार से इनसे तोड़ सकते हैं। तो परम को अलग कर सकते हैं, ठीक है, और अर्थ को हम अलग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर छोटा आ है माँ, भाई बड़े जो माँ है, माँ में कोई भी मात्रा नहीं है तो छोटा आ तो है ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ये तो दिख ही रहा है छोटा आ, कुछ नहीं किया। तो देखो ये आ प्लस आ, तो आ प्लस आ किस में होता है, तो यहाँ पर है आ प्लस आ, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं ये कौन सी है, ये दीर्घ, भाई आ प्लस आ मिल करके यहाँ बड़ा आ निकल रहा है, तो यानी आ प्लस आ मिल करके बड़ा आ, यानी कि ये जो है दो जो हमारे लघु स्वर हैं वो मिल करके दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब दो लघु स्वर, या कहें कि दो सवर्ण स्वर, बात एक ही है, या फिर चाहे आप सवर्ण स्वर कहिए चाहे आप कहिए लघु स्वर, ठीक है। तो जब दो सवर्ण स्वर मिल करके एक दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो अब हम समझ गए कि यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। तो अगर आपको सिर्फ पहचानना ही है तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं इसको याद करके, सिर्फ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, री, इतनी चीज़ें याद कर लीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको एग्जांपल जैसे दे दिया हमने कपींद्र, ठीक है, कपींद्र। अब आपको कपींद्र को तोड़ना आना चाहिए, तो इसको दो टाइप से तोड़ सकते हैं हम। सबसे पहले देखिए कितने टाइप से इसे हम तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कप है, ठीक है। अब इसमें बड़ी ई दिख रही है, ठीक है, तो बड़ी ई हम ऐसे लिख देंगे और आगे कर देंगे हम इसको ऐसे, ठीक है। अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसमें छोटी बड़ी, बड़ी किस तरीके से बनती है। तो या तो ये बड़ी ई या छोटी या फिर बड़ी ई होगी, और मिला करके ऐसे बनी होगी बड़ी ई से बड़ी ई। तो अब हम इसमें यूज़ करते हैं कि कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भाई इन दो तरीक़ों से ही बड़ी ई आ सकती है। तो हम एक बार करते हैं इसमें छोटी की मात्रा लगा के इसको अप्लाई करते हैं एक बार। तो इसको जो अप्लाई करेंगे तो बनेगा कपी, ठीक है, और इधर छोटी को अप्लाई करेंगे तो बनेगा इंद्र, ओके। और अब हम इस पर बड़ी अप्लाई करते हैं तो बनेगा कपी धन, इधर बड़ी अप्लाई करेंगे तो, या फिर छोटी ही अप्लाई करें तो बनेगा इंद्र, ठीक है। तो कपी कपींद्र, ठीक है, तो कपी धन इंद्र, कपी धन इंद्र, ठीक है। तो या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर बड़ी ई, ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि इंद्र कोई शब्द नहीं होता, तो ये तो ऑब्वियसली हट गया, ये वाला पार्ट तो कट हो गया, भाई इंद्र कोई शब्द नहीं होता। अब इसमें आते हैं कपी और कपी, तो कपी भी कोई शब्द नहीं होता है, तो ये भी कट हो जाता है, बचा ये कपी। तो इस तरीके से कपी धन इंद्र। तो जब संधि विच्छेद करने को आएगा तब ये आप रूल अप्लाई करेंगे, जब संधि विच्छेद करने को आएगा तब ये रूल अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ पहचानने को ही आता है तो आप बहुत अच्छे से पहचान सकते थे। जैसे हमने दिया सचिंद्र, ठीक है, सचिंद्र, तो आप सचिंद्र को देखिए इसमें क्या दिख रहा है, बड़ी ई दिख रहा है साफ साफ, वो बड़ी किस में आता है, दीर्घ संधि में आता है, तो बस सीधे दीर्घ संधि होगी, पहचान सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मैं आपको संधि विच्छेद करने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। संधि विच्छेद देखो इसमें तीन टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो पहचानने के लिए आता है, एक शब्द दिया होगा संधि विच्छेद करना होगा, और एक संधि विच्छेद दिया होगा उसे शब्द बनाना होगा। तीन टाइप से प्रश्न आएगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने बोला कि ये है महेंद्र, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि महेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप बड़ी देखिए मात्रा लगी, तो तुरंत आप बोल सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अब अगर आ जाए इसी का कि इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, चार ऑप्शन दिए हो, तो आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आप इसको तोड़ लीजिए, पहले मह को अलग कर लीजिए, बड़ी ई की मात्रा है उसको अलग कर लीजिए, और इसको अलग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंद्र होगा छोटा सा, ठीक है, क्योंकि इंद्र कोई शब्द नहीं होता ना, इंद्र होता है इंद्र, ठीक है। तो इंद्र ये हो गया, इंद्र कोई शब्द नहीं होता, इंद्र होता है, ठीक है। और यहाँ मह हो गया, तो आपको समझना है कि इसके बीच में ये छोटी ई है, कन्फर्म है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि ये तो लास्ट में होगा ही होगा, बीच में इधर क्या होगा, इस पे छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की मात्रा लगेगी, ये आपको समझना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको हम देख लगा के देखते हैं कि मही होगा क्या, छोटी की लगाएंगे तो मही तो होगा नहीं,
क्योंकि मही कोई शब्द ही नहीं होता, मही होता है, ठीक है, तो मही धन इंद्र, इस तरीके से आप इसे तोड़ सकते हैं। तो आप जो ये ऑप्शन जिसमें दिया है उसको कर लीजिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक शब्द देता हूँ और उसको आपको जो है बनाना, जैसे कि मैंने दिया वधू धन उत्सव। अब इसका शब्द क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको बताना होगा कि इसका जो शब्द होगा वो क्या होगा, वधूत्सव, क्या होगा, वधूत्सव। अब ये वधूत्सव कैसे बन जाएगा, तो मैंने कहा था कि ये बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा लगी इसमें, तो बड़ा ऊ हो गया धन, ये छोटा ऊ है, ठीक है, ये छोटा ऊ हो गया। अब मैंने कहा था कि कुछ भी हो कुल मिला के वो आएगा बड़ा ऊ ही, दीर्घ ही आएगा, जिसमें दीर्घ वही दीर्घ संधि, जिसमें दीर्घ स्वर होगा वही दीर्घ संधि होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले पार्ट में अगली संधि के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।